रुको बेटे, नमस्कार साथियों। बेटे बहुत अच्छा दौड़ रहे हो, आर्मी फिजिकल की तैयारी है क्या? नहीं, उसकी तो उम्र निकल गई, मैं तो बकचोदी कर रहा हूँ। अच्छा, बकचोदी कर रहे हो, फिर तो आपकी जगह यहाँ सड़क पे नहीं है, इंदौर फिजिकल एकेडमी में है। इंदौर फिजिकल एकेडमी। वायरल सच, ये भाई एकेडमी आने के बाद बहुत रोया। जय हिंद। नमस्कार साथियों। दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र सिंह परवाल, आपके अपने YouTube चैनल इंदौर फिजिकल एकेडमी से। दोस्तों, ये बंदा कल आया हुआ था। कल कितने बजे आए थे आप? 9:30 बजे। 9:30 बजे आया हुआ था। हाँ सर, हमें पता नहीं चला, कुछ भी स्क्रिप्टेड है। आज दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा क्लियर पता चल जाएगा कि इंदौर फिजिकल एकेडमी में इतने बंदे क्यों है। जैसे अपने ट्रेनिंग की फीस कितने हजार रुपए है? सर आपने कहा था सर 5,000 रूपए और 4,000 रूपए खाने रहने खाना। कुछ बात हुई इसके अलावा कि आपको कितने रुपए देना है, कितना हम कुछ करेंगे, कुछ बात हुई? हाँ जी सर। क्या बात हुई? जैसे कि 9,000 आप भरने पड़ेंगे जी, और अगले महीने से 4,000 भरने। अभी कितने रुपए भरेंगे आप? 9,000 रूपए। खड़े हो जाओ। और आज आप यहाँ पर रहे, सुबह मॉर्निंग में ट्रेनिंग देखी, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर। दोस्तों सबसे पहले आप देख लीजिए। अरे सर, पहले उसको अपना डायलॉग तो पूरा कर लेने दो, आप तो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो जो लड़कियां सोचती है कि उनका बॉयफ्रेंड रात के 12 बजे किसी और लड़की के साथ चैट करके उनको चीट कर रहा है, मैं उनको बता दूं कि राजा बाबू दूसरी लड़कियों से चैट नहीं कर रहे, बल्कि 12 बजे के बाद इंदौर फिजिकल एकेडमी और कमांडो एकेडमी फिजिकल की वीडियोस देखकर गूज़बम्प्स ले रहे हैं। सो यूट्यूब इंडिया में काफी सारे चैनल है जो आर्मी फिजिकल ट्रेनिंग देने के नाम पे यूट्यूब वेब सीरीज शो चला रहे हैं। इतने पूरे साल में भर्ती नहीं लगती जितने बच्चों की नौकरी लगवाने की लोग गारंटी लेते हैं। सो आओ इनके क्वालिटी कंटेंट में डुबकी लगाते हैं। ये बंदा आगरा का रहने वाला है, देख लीजिए आप थोड़ा गौर कर दीजिए। दोस्तों तारा कैमरा बता। सर बटन देख के शहर कैसे कंफर्म करूं, प्लीज साफ साफ बोल दो आप कहना क्या चाह रहे हो। ये तिरंगा आपके हाथ में है, झूठ मत बोलना। भारत माता की जय। अब तो मुझे इनकी सब बातों पर यकीन करना पड़ेगा, प्लीज सर बताओ मुझे और बहुत कुछ। तो मैंने कहा था मैं ये पैसे में डलवा दूंगा जी, तो उन्होंने साफ मना कर दिया जी। थोड़ा आगे आ जाओ। हाँ थोड़ा आगे आ जाओ, फ्रेम में ठीक से नहीं आ पा रहे। सर मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, या तो कैमरा दोनों एंगल से लगाया करो या कट ठीक से लगाया करो, वीडियो में स्क्रिप्ट एक्सपोज हो रही है आपकी। तो आपको ऐसा हो रहा होगा कि भाई साहब 4,000 जमा करा दो, कुछ बोला ऐसा? भूला। केवल 4,000 जमा करा दो, बाकी बाद में करवा देना। ऐसा नहीं बोला। चलो कोई बात नहीं सर, नेक्स्ट टाइम से एक्ट्रेस थिएटर वाले ही लेना, सबसे क्रूशियल डायलॉग तो भूल ही गए। कि हम बोलते हैं कि कोई गरीब बंदा हो तो हम फ्री कर सकते हैं, पता चल रहा है कि बंदा कितना गरीब हो सकता है। दोस्तों हम हमेशा गरीब का सहायता करते आते हैं, और आज ये बंदा भी गरीब है दोस्तों, क्योंकि ये बंदा दोस्तों गरीब है। दोस्तों देखिए ये गरीब बंदा। हाँ सर गांड मार लो ना गरीब की, और ये इतना गरीब है कि अपने स्मार्टफोन पे लेदर कवर यूज करता है। पर सर को तो इसको गरीब गरीब बोलकर 50% फीस कम करनी है इसकी वीडियो में, जिससे पूरे देश के छाती के बाल खड़े हो जाए इमोशनल गूज़बम्प्स लेकर, और फिर हर कोई अपने बच्चे को सिर्फ इंदौर फिजिकल एकेडमी ही भेजे। और सर यहीं तक ही नहीं रुकते, वापस उस स्टूडेंट को जबरदस्ती अपने पापा को फोन करके सर के दरिया दिली के किस्से सुनाने को बोलते हैं। गुरुजी ने मेरी परिस्थिति देखकर है ना मात्र 4,000 रुपए रहना और खाने के लिए बस लगा। नमस्कार साथियों, तो ये लड़का उत्तर प्रदेश से हमारे पास आया है, और आपको दिख ही रहा होगा ये कितना गरीब है। इसकी शर्ट के तीनों बटन अलग अलग रंग के हैं, ये बहुत गरीब है। इसका पेट अगर आप देख लो तो आप पेट से भी देख लोगे कि ये बहुत गरीब है। इसके पिताजी भी बहुत गरीब हैं। अरे आगे मुझे जाओ यार, आगे यहीं ले आओ, फ्रेम को इधर ही ले आओ। हाँ तो कैमरा वाले भाई साहब, ये बहुत गरीब है बच्चा, और हम इसकी फीस माफ करेंगे क्योंकि ये गरीब है। ये गरीब है इसीलिए हम इसकी साथियों फीस माफ कर देंगे। घबरा मत बेटा, तेरे से सिर्फ मैं इसकी फीस लेंगे, ठीक है? बढ़िया खाना मिलेगा, मटर पनीर मिलेगा, और ट्रेनिंग एक नंबर की हो जाएगी क्योंकि तू गरीब है, और गरीब का साथ देने के लिए हमने एकेडमी खोली है साथियों। ये फिजिकल एकेडमीज तुम्हारा कितना बड़ा प्लेसमेंट करा सकती है वो तो इनके गुरुओं के प्लेसमेंट से ही तुम्हें पता लग सकता है। बट आई रिकमेंड यू कोडिंग इन्वेडर्स, इंडिया सेफेस्ट प्लेटफॉर्म। दे हेल्प यू टू स्विच फ्रॉम नॉन आईटी प्रोफेशन टू आईटी प्रोफेशन फॉर हायर पेइंग जॉब्स विद इन 6 to 8 months एज अ डेटा एनालिस्ट, और उनका करंट प्लेसमेंट स्टेट्स है 93%। यस 93%। आप सबके भी रिसेंटली सुनने में आया होगा ट्विटर एंड मेटा फायर्ड थाउजेंड ऑफ एम्प्लॉइज, इसका मतलब कहीं पे भी जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। बट ये बात किसी को नहीं पता कि वो सारे एम्प्लॉइज नॉन आईटी डिपार्टमेंट में से थे। ये हमें एक क्लियर आइडिया देता है कि आईटी प्रोफेशन इज सेफ एंड सिक्योर, और यही आपकी हेल्प करता है कोडिंग इन्वेडर्स। और सबसे बेस्ट पार्ट यहाँ पे ये है, बिफोर यू एनरोल फॉर अ कोर्स दे प्रोवाइड यू अ गारंटीड जॉब एग्रीमेंट विद मनी बैक गारंटी इन रिटर्न, मतलब अगर आप प्लेस नहीं हुए तो यू विल गेट 100% रिफंड। इससे बढ़िया तो कोई बात हो ही नहीं सकती। देयर कोर्सेज हैव रियल बिजनेस केस स्टडीज, जॉब ओरिएंटेड projects and assignment designed by industry experts from Amazon, Philips, Deloitte and others. The benefits are simple. अब कोई भी non IT profession का बंदा data science learn करके eligible हो सकता है for high paying IT jobs. Also, you do not
not need any coding background to get into such a job. और अभी तक ये 20,000 plus candidates को 10 to 25 lakh per annum का package secure करने में help कर चुके हैं, वो भी last 6.5 months में, with the help of their 300 plus hiring partners. So if this interests you, click on the link in my description and don't forget to use my coupon code LC33 to get 33% free discount in job guarantee batch. हमारा जब special diet होती है, पिछले संडे को मटर पनीर था ना रे? हाँ जी सर, मैं मान रहा हूँ आपके यहाँ ताज होटल वाला ही मेन्यू चलता है, प्लीज चैन से खा लेने दो बच्चों को। और ये सर भी एक फिजिकल ट्रेनिंग एकेडमी ही चलाते हैं, और अगर आपने कभी 12 बजे के बाद यूट्यूब स्क्रॉल किया होगा तो इनकी वीडियोस, इनकी थूत आपने जरूर देखी होगी। अभी पहले ही बनाया था, दो दिन पहले भी गाजर के साथ अलग। और ये मटर पनीर कोई पहली बार नहीं बना, तो वीडियो बना रहे हैं। अरे इससे पहले खाया है? जी सर, मान रहा हूँ आप खाने मटर पनीर देते हो, पर ट्रेनिंग कब दोगे? इन यूट्यूब ट्रेनिंग सेंटर्स में सब कुछ होता है, बच्चों गरीब गरीब बोलकर एडमिशन के टाइम पे उनका हैरेसमेंट, स्क्रिप्टेड वीडियो परफॉर्मेंस, मटर पनीर के नाम पर बच्चों को ताने खिलाना और आधी रात गर्ल्स हॉस्टल में रेड। खुल गई पोल रात 1 बजे, गर्ल्स एकेडमी में छापा। सर रात के 1 बजे गर्ल्स हॉस्टल में छापा मारना गलत नहीं होता, बल्कि छापा मारने वाला गलत होता है। बहुत अच्छा एंगल है सर जी, एक दो सिनेमेटिक शॉट और ले लो यहीं से ही। इसीलिए तो उन लड़कियों के घर वालों ने आपके एकेडमी में भेजा है उन्हें कि रात को 1-1, 2-2 बजे सर की वीडियो में आके उनका चैनल ग्रो करवाना है। मुहावरे 9-2-11 का बता, 9-2-11 हो जाना क्या हो जाना 9-2-11 का भाग जान। तो ये तो बोल रही, तो अभी पढ़ रही है मुहावरे, अभी तेरे को नहीं पता? ओ इधर क्या कर रही है पुरानी? हाँ सर, घुस जाओ। प्राइवेसी तो वैसे भी आपके एकेडमी के बाहर ही टांग के आते हैं बच्चे। टफ कंपटीशन हो गया है सर। कंपटीशन तो आप भी बहुत तगड़ा दे रहे हो इंदौर वाले सर को, चूतिया पंती में। इनके सोने की जगह तो आप कैमरा लेके घुस ही गए, अब इनके नहाने कपड़े धोने की जगह भी दिखा दो। मैं यही सब देखने सीखने तो आता हूँ आपके चैनल पे। आप इन लड़कियों को आतंकवादियों से बचना सिखा रहे होंगे, लेकिन मैं भी अब एक चैनल खोलूंगा जहाँ पे मैं इन लड़कियों को सबसे पहले आप जैसे घुसपैठियों से बचना सिखाऊंगा। रात 12 बजे अचानक गर्ल्स एकेडमी पहुंचा तो यह कर रही थी लड़कियां। हमारा आना जरूरी भाई, चेक किए बिना कैसे चलेगा? ठीक है, इनको बता रखा है गेट खुले रहने चाहिए अभी तक। चलिए दिखाते हैं। बल्कि रात को 12-12, 1-1 बजे लड़कियों के कमरे में घुस के सूंघ सूंघ कर उनको उनके शावर डे बताते हैं, कब नहाई थी, कब नहीं नहाई थी, कब नहाना चाहिए, कब आपको नहीं नहाना चाहिए। यही ट्रेनिंग देने के लिए तो इन लड़कियों के घर वालों ने इनको पैसे दे के भेजा है। पर सर मैं तो अपने बाप के 9,000 रुपए देके ट्रेनिंग लेने आया था। आँखों में तेरी सूरत बसी। वाह सर, ये वीडियो देखकर मुझे यकीन हो गया है कि यही वो इंसान है जो मेरा और इस देश के सारे नौजवानों का सिलेक्शन करवा सकता है, आर्मी में तो नहीं पर बकचोदी मारने में जरूर। और इतना तो मुझे यकीन हो गया, ये ट्रेनर अच्छे हो या ना हो पर यूट्यूबर एक नंबर के, क्योंकि इनका पूरा दिमाग थंबनेल और टाइटल में चलता है। सर आप आर्मी ट्रेनिंग देना बंद कर दो और यूट्यूबर बनने के कोर्स स्टार्ट कर दो। सेटिंग से बात करते हुए पकड़ा गया। काट दिया फोन, काट दिया। सेटिंग से बात कर रहा है? लगा फोन, लगा वापस। अरे फोन लगा जल्दी। अरे बात तो कर, मैं बोलता हूँ आई लव यू। कोई पर्सनल लाइफ नहीं है इन बच्चों की, और यहाँ पे ग्राउंड ट्रेनिंग से ज्यादा ये सब चलता है, कौन बच्चा कितना मोटा है, किसको कितना मारा गया, कौन कितना छोटा है, किसकी बॉडी पे कितना फैट आ गया, किसकी माँ गरीब है, किसका बाप लंगड़ा है, किसको स्वप्न दोष है, किसकी सेटिंग है। और ये बच्चे भी खुद को एक्सप्लोइट होने दे रहे हैं, और ये सब सिर्फ इसलिए कि वीडियोस बने, इनसे इनके ट्रेनिंग सेंटर वायरल हो, इनके ट्रेनिंग सेंटर का एडवर्टाइजमेंट हो और ज्यादा बच्चे अपने आप को एक्सप्लोइट कराने के लिए इनके पास। आर्मी के नाम पे सिर्फ पैसे कमाने का धंधा है, और ये लोग कितने ईमानदार है वो इससे ही पता चल जाता है कि ऐसे सिमिलर और इंस्टीट्यूट के ऊपर एक दूसरे के ऊपर ऑडियो और वीडियो बनाते रहते हैं, एक दूसरे की ऑडियो वायरल कर दी, किसी की वीडियो वायरल कर दी कि हम इनसे बढ़िया हैं, वो हमारे से बेकार हैं, आप हमारे पास आओ, हमारा खाना बढ़िया, हमारी ग्राउंड ट्रेनिंग बढ़िया, उनका ये बेकार। तो पता चलता है कि आर्मी के नाम पे भाई सिर्फ बच्चों का बेवकूफ बना रहे हैं। और एजुकेशन मात्र आज के टाइम पे एक धंधा रह गई है। अमन धतरवाल वर्सेस फिजिक्स वाला इसका प्राइम एग्जांपल है। दो बिजनेसमैन के बीच में बच्चे सफर कर रहे हैं, और पता नहीं वो कौन से बच्चे हैं जो इन चूतियों को अपना गुरु बताते हैं। जिन लोगों को 10वीं में कोई कंप्यूटर लैब का पियोन ना बनाए, वो 12वीं के बच्चों को कोडिंग कोर्स बेच रहे हैं। इस एकेडमी में मत आना, वायरल वीडियो जरूर देखें। क्या करते पापा जी? घर पे रहते। बहुत बढ़िया, हमारे बाल बहुत मुलायम है यार बाबू, यार बहुत। सर एक मिनट, जब ऊपर वाले बना रहे हो तो घुंघराले वाले भी बना दो, डंडरा फर्नीचर। सर हाँ सर, कैमरा ऑन है, चलो एक्टिंग शुरू करो। सिगरेट बीड़ी, बीड़ी के सर भी सिगरेट, सिगरेट किसी ने भी सर। ये कहाँ से रहे?
बीड़ी कौन पीता? सर की एकेडमी में नशा भी सर की सोच की तरह ही है, छोटा बीड़ी का। अरे सर, दुनिया चांद पे पहुंच के चरस गांजा एमडीएमए फूंक रही है और आप आज भी बीड़ी को जानलेवा नशा बता के छापामारी कर रहे हो। रेज योर स्टैंडर्ड सर, ब्रिंग सम ब्राउन शुगर इन योर स्किट्स। तमाचा पहली बार यूट्यूब पर, मनोरंजन पनिशमेंट। सर ये वाला राउंड फिजिकल में कौन से दिन आएगा? क्योंकि इसकी तैयारी के लिए तो मेरा बाप 20,000 रुपए महीना देने से रहा। इसकी तैयारी तो पापा जी घर पे ही करवा देंगे खुद ही मुझे। क्या नाम बेटा? सचिन चौधरी। कहाँ से? अजमेर राजस्थान। कैसे मिलता बेटा खाना? बढ़िया मिलता। दिल्ली? हाँ दिल्ली। हाँ जी सर, मान तो लिया कि आपके यहाँ खाना बहुत अच्छा मिलता है। इतने बच्चा तो आपके यहाँ खाना खाते नहीं होंगे जितना जबरदस्ती आपकी वीडियो में आगे आपकी तारीफ करते हैं। अगर खाने का रिव्यू देना ही आर्मी ट्रेनिंग होती तो आज सारे फूड ब्लॉगर्स गुलमर्ग में तैनात होते। कहाँ से बेटा? यूपी से। यूपी से देख लो भाई, ये खाना दाल का मतलब दाल है रे, पानी नहीं है। ये इधर चटनी और रोटी। सर मैं अपने पूरे खानदान के साथ चूल्हा नोत आपके यहाँ खाना खाने आ जाऊँ आपकी एकेडमी में। बस मैं मान लिया, ठीक है, लेकिन पहले मुझे दिखा दो ट्रेनिंग कैसी कहाँ होती है। मैं आपकी छापे मारे वाली वीडियो से और खाने की वीडियो से पूरा एकदम सेटिस्फाइड हूँ। मुझे पूरा ट्रस्ट है आपके ऊपर, पर उससे सिलेक्शन नहीं होने वाला मेरा। ये संडे की डाइट है, खीर। अरे बस यार, खिला खिला के लैटरिन के गड्ढे भरवा दिए तूने। संडे की डाइट, मंडे की डाइट, आर्मी कैंप ना हो गया, बुधवार का भंडारा हो गया, चैनल पकड़ा गया, 50,000 का मोबाइल तोड़ दिया, वायरल वीडियो। सर अपनी एकेडमी का प्रमोशन ऑनलाइन यूट्यूब पे करते हैं और बच्चों को फोन अलाउड नहीं है, आयरनी। वाओ। अरे सर इसी फोन पे तो आपकी वीडियो देख के मैनिपुलेट हुए थे, तभी तो आपकी एकेडमी में एडमिशन लिया था यार। फोन तो अलाउ करो अंदर। कहाँ है कैमरा? अच्छा ड्रोन लगा रखा होगा सर ने, हमें दिखा नहीं। थक गया हूँ ब्रो आर्मी फिजिकल ट्रेनिंग वीडियोस में एक्चुअल फिजिकल टिप्स ढूंढते। सो गाइज आज के लिए इतना ही, और देखो जितना मैंने इन वीडियोस के थ्रू गया हूँ, जितना मैंने इनके चैनल देखे हैं, चैनल तो टोटल क्लिकबेट पे बेस्ड हैं, ज्यादातर वीडियो स्क्रिप्टेड है। पता नहीं मुझे कितने बच्चे इनके यहाँ से प्लेस्ड होते हैं, कितने नहीं होते, या आपस में एक दूसरे के ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन गेम खेलते हैं। पता नहीं इनमें कौन सच्चा है कौन झूठा है, और इनसे सच में कोई टिप्स मिलती भी है, इनका सिलेक्शन होता भी है किसी बच्चे का, या बस ये हर टाइम ये पैसे गरीबी की वीडियोस बना बना के बस बच्चे को लूट ही रहे हैं। खैर अपनी दैविक बुद्धि का इस्तेमाल करें, अगर किसी को कहीं जाना भी है, किसी ऐसी वीडियो देख के किसी के यहाँ ट्रेनिंग लेने जाना भी है। अब तो ऐसी 50, 100, 1,000 एकेडमी हो चुकी है यूट्यूब पे। अगर अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, लक्ष्य फॉलो कर सकते हैं, हमारा व्लॉग चैनल लक्ष्य चौधरी व्लॉग्स। लाइक अगर तुम्हारा इंटरेस्ट हो व्लॉग्स देखने में एक बार देख लें, सब्सक्राइब करने से पहले देख लेना तभी सब्सक्राइब करना। ऑल्सो अगर तुम भी अपने नॉन आईटी प्रोफेशन से स्विच करके आईटी प्रोफेशन में जाना चाहते हो फॉर हायर पेइंग आईटी जॉब्स, देन यू कैन गो एंड क्लिक ऑन द लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन टू विजिट कोडिंग इन्वेडर्स। और मेरा कूपन कोड LC33 यूज करना मत भूलना फॉर 33% फ्री डिस्काउंट। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।